की बात नहीं पकड़ी है, कोई फूटी फूटी है नहीं नहीं हां नहीं पकड़ी है। जायज रेट मांगो तो मानो तुम देने वाले काम तुम बोलो ना देख ली देखिए जी बकरी पे चल रही है बात देखते हैं यहाँ तक बनती है जी बात। तुम बताओ ना उनकी मैं जो पंद्रह ही कहने थे माँ ही नाम है उसी लाओ मैं नहीं लूँगा। अरे लगाया सर लगाया अठारह हजार लगा दीजिए इतने चैनल चैनल तो अच्छा यार तभी दो तीन मेमने दे लो जी बढ़िया क्वालिटी दी बकरी तो फिर के होर देख ला क्यों जी पिछो किते कोई नुक्स निकले वे रोड भी 2000 दा निकले शेर दो तोड़ के देख मर जी चौड़ा कर ला खड़ा हूं तोड़ के देख रहा बकरी नु पकड़ो लाइन ने मार के कान भर के तोड़े नु चला के देखो फिर पिछो सो के ना हुंदी है देखो चला के देख अरे ओए जमे देखो जमे टुकते रहे होंगे आलिया मोड़ दिया आ गए ओ ये कागज पट्टे हो फिर दूध लिखू कोई नुक्स नहीं हूं तू कहां छेड़ा छेड़ी ले जी साईं जेड़ा छेड़ दे 2000 दा नोट दा बड़ा दा अगे तू छेड़ असी ते छेड़ दे फिक लिया तेरे मैं पकाई मार के रह जा ले भाई चौड़ा कर लो खाना और इकड़े चावल बंड दे आपा ओने उत्तो नहीं आउंदा ओदे उत्तो मेनू पा दे कोने च तमाशा फेरे वधिया लगू मदारी दी टुकड़ो को परले पासे मदारी दी टुकड़ो फेरे बच्चू ते खाड़ा चौड़ा हो हां ओदी फिर छू मतलब करू करूंगा ला सर दा सर दा सर लो जी बकरी बकरी का सौदा होने लगा है मैं को 2000 का नोट करा दिया चल मैं इतना नहीं कोई गल नहीं इधर तेरे लादा नहीं मैं भी लाने दरवान कर ते बकरी के नहीं देख ली जही जी बकरी है लेती जी पीती जी वह जा माया वह जी नोट मिल गया सानू छोटा जा ये ना कहीं भी राजू पता नहीं मुल नहीं लाऊंगा बकरी का मैं अंदाजा देख के मुल ला रहा बकरी बेची ना बेची चीज तेरी है क्यों जी बना कर 14000 कहे इन्होंने और कितने हैं 15000 दी दे इधर आ जाओ लगा दो माइक लगा दो 1 रुपया भी नहीं कटूंगा
16 ਹੋ ਜੂ 16 ਹੋ ਜੂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਛਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੂੰ ਭਾਜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਤ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं तो खबनी घटे कहना मैं तो 15,000 कह लगे तेन 16 ते आ गई कहानी 16,000 क्यों अज गाहक नहीं मंडी के अंदर नहीं हो सकता ना होवे तेरी चीज है घंटे वर्गी पठ नहीं हैगी बकरी है बकरी है बकरी है बकरी आड़े ने नाल कर जवान नाल कुश्ती बकरी है दी हाँ बकरिया हिमाचल रात छे हिमाचल तक मेरा माल जाता आप भी बेचना मैं खुद मेरा भी चैनल बनया है मैं तेन मरवा के राजी नहीं तेरे कने उल्ट उल्ट डिगदा मैं हां तेरे हक च उन्होंने हक च नहीं अल्लाह बकरी बेचती बहुतियां गल्लां नहीं मैं जानदा बेचती बंदे नु पुछदा नहीं चाहे पल्ले उन्होंने पहन तक 17,000 दी सही है भाई ना सही है हां मुल्ला हां मैं बाबा रहने दे फिर धक्का ना करे सर इतना करने करो तो रहने दे खुशी का सौदा धक्का भी नहीं करता मैं बंदा पूछे नहीं मैंने हां तू माल कापे कटी वधी जाने मैं तो पूछे भी नहीं 500 पावा कि ना पावा ना मैं नहीं पूछदा ना मैं नहीं पूछदा जमी नहीं पूछदा जाइए पटती है खड़ा बेची हूं ना बेची मैं दबारे नहीं खड़ना मन नहीं मेरी गल चल लीले कुर्ते आले बुढ़े दे पक्कियां चूड़ियां जवान दे पग बनिया मुंडा जवान है जमी नी टूटे हुए कितने होगी पूरी 18 दी हां चली थी 14 तो खड़गी 18 ते जाके कड्डी 18 नंबर ते हां 18 नंबर बकरी बिकी है जी आज तुंगली मंडी दे विच 18 नंबर बकरी ठीक है 18 नंबर बकरी बिकी है खुश हो जी खुश है मरेगा राजू ने तेरा तक कहता नहीं दिलाया थोड़ा आगे आज माल तेरा सही बिके है ना दस दो थोड़ा मेरा नाम भी है केड़ा पिंड है जी ₹5 ₹5 तो भीरा सभी भाइयों का धन्यवाद है जो भाई बता अपना जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बठिंडा पंजाब में है बादल रोड पे जय सिंह वाला गांव में हम बकरी पालन की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है
हम किसी भी किसान से कोई पैसा नहीं ले रहे, ये फ्री की ट्रेनिंग देंगे। वहाँ पर हम 7 दिन की ट्रेनिंग जिसमें हम बकरियों में AI करना, कैसे हम नस्ल सुधार करेंगे और कैसे हम बकरियों को क्या हमें किस टाइम पे हमें डालना थी। जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको कौन सा दाना चारा डालेंगे, उससे हमारे जो बकरियों में टाइम पे हम उसको फीड देंगे, टाइम पे हम कैल्शियम देंगे, हर चीज देंगे, तो उस पे एक तो बकरी की दूध की मात्रा ज्यादा होगी और दूसरी जो उसका बच्चा होगा वो जल्दी ग्रोथ करेगा। सेकंड बात, हम उस ट्रेनिंग में जो छोटा बच्चा होता है उसको ये डाइट बताएंगे कि वो जल्दी उसका मतलब जल्दी जल्दी ग्रोथ करे और वो जल्दी हमारे AI करने के लायक हो जाए बच्चा, जल्दी हमारे फिर दूध का। अब कई जैसे चिकन में यूज करते हैं तो चिकन में भी वो जल्दी ग्रोथ करेगी, वेट ज्यादा होगा, तो वो चीजें हम 7 दिन की ट्रेनिंग देंगे। अपना जो कॉलेज है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉलेज है, ये जैसी वाले में बादल रोड पे। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, अगर कोई किसान भाई ये ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हम कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री में करवा रहे, जिसका नंबर है 97730015। इस नंबर पे आप संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। 1 तारीख से ये बैच शुरू होता है, हर महीने के 1 तारीख को बैच शुरू होगा और 7 तारीख तक बैच चलेगा। उसको जो हम सर्टिफिकेट देंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार से, जिससे कोई भी बकरी पालन करना चाहे तो उसमें लोन की सुविधा भी मिलती है। तो कोई भी किसान भाई मेरी आवाज सुन रहा है तो हमारे बादल रोड पे जयसिंहवाड़ा गांव में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अपनी संस्थान है जो कि आपको ट्रेनिंग फ्री में देगी। धन्यवाद। कहीं का भी आता है जो जैसे बाहर से कोई बच्चा आता है तो हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है, वहां पर बच्चे को रहने के लिए हम जगह देंगे। इसी के रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए वो भी हम करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो पहले जो कोर्स है वो हम AI का जो पशुओं में गाय भैंस में मैत्री का। आप पंजाब में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र संस्थान है जो पंजाब जयसिंहवाड़े में है जो कि मैत्री की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट इस पे थोड़ा विशेष कदम उठा रही है कि AI पे विशेष ध्यान दिया जाए। अब आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आ जाया हूँ, एक दिन पहले भी मैं आया था तो मुझे पता लगा कि वीरवार को इसका यहाँ पर मेला लगता है, तो मैं आया यहाँ पर देखा कि बीटल बकरी बहुत ही बड़ी अच्छी अच्छी है, इसलिए मेरा मन किया और मैं ये बकरी यहाँ से ली है और ये बच्चों को दिखाने के लिए ली है। वहाँ पर मैंने बकरियाँ रखी हुई है जो बच्चों को AI की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो कोई भी किसान भाई कोई करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी हमारे से जो मैंने नंबर बताया इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये जी हमारा हर 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को ट्रेनिंग शुरू होगी, 7 तारीख तक चलेगी और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये ट्रेनिंग होती है। 3 घंटे की क्लास लगती है जिसमें ये खाने पीने के बारे में, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, जैसे रात को बकरी को कोई दिक्कत हो जाती है हम डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर तो बहुत लेट आएगा तो उसको हम ऐसी चीज बता देंगे कि वो रात रात का जुगाड़ कर सकता है। सेकंड बात, आज का विशेष AI का होता है वो हम प्रैक्टिकली करवाएंगे। AI जो नस्ल सुधार, जो हम जैसे मान लो कोई अच्छा बकरा है उसका सीमन रखते हैं, उसका सीमन उसके अंदर जब रखेंगे तो वही ब्रीड हम तैयार कर पाएंगे। हमें ये नहीं कि कहीं भागना पड़ेगा या हमें बकरे रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज के दिन में देखता हूँ बकरी पालन होता है वो लोग बगड़पड़ होता है, पढ़ाई का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है और अपने हाथ का काम है, हाथ का काम कोई भी कर सकता है। पढ़ाई होती है तो जैसे कोई चीरा फाड़ी वाला कोई और कोर्स किया जाए उसमें पढ़ाई की आवश्यकता होती है, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सभी को।